गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब बहुत अच्छे हैं। कमाल है। आजकल मैं एक आध वीडियो डाल रहा हूं तो हमारे बच्चे उस पर इतना बढ़िया रिएक्शन दे रहे हैं कि मुझे मन कर रहा है कि मैं बनाता रहूं और मैं आपको पढ़ाता रहूं। तुम सब जो एक छोटा सा कमेंट लिखते हो ना मेरे लिए, यकीन जानो वो एक नई ऊर्जा भर देता है मेरे लिए। जो मेरा ऑल्टरनेटिंग करेंट लेक्चर 3 आया, उसमें से 70-80 स्टूडेंट्स ने ऐसे ऐसी बात लिखी कि मेरा हौसला रियली कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। मुझे लगा कि मुझे YouTube पर अपने बच्चों के लिए थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए। और इससे दो काम हो जा रहे हैं, एक तो जो वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं वो आपको तो मिल ही रहा है, कुछ और लोग भी लाभान्वित हो जाते हैं इससे। दूसरा, हमारे वो बच्चे जो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, छोटे ही शब्द सही, थोड़े ही शब्द सही, इससे हमें कम से कम ये एनालिसिस जरूर हो जाता है कि मैं सही दिशा में हूँ। बाकी मैं अपनी तरफ से शिक्षक हूँ, सर्वोत्तम प्रयास करता हूँ कि अपने बच्चों को सब कुछ बोल दूँ निश्चित तौर से। तो कल हमारे हनी ने, लवलेस ने, निधि ने, अंकिता ने, एवरीवन, अंकिता तिवारी हमारी एक पुरानी स्टूडेंट है, ऐसे से इंग्लिश के वर्ड्स लिख डाले, कमाल, बहुत अच्छा लगा। और अच्छा इस बात से भी लगा कि आप सब उस पूरी एनर्जी के साथ, पूरी इंटेंसिटी के साथ पढ़ते हो जिसके लिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इस फिजिक्स जैसे खूबसूरत सब्जेक्ट में हमेशा अपनी पकड़, अपनी कमांड बना के रखनी होनी चाहिए। और आप वो करते हो, कामयाब होते भी हो, और मैं भी थोड़ी थोड़ी कामयाबी महसूस कर रहा हूँ कि इस ऑनलाइन एजुकेशन को मैंने आज से 4 महीने पहले 5 महीने पहले, भले ही कोरोना पैंडेमिक था, बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, दुनिया के लिए, अब है या नहीं है बहस करने का विषय नहीं है, 6 महीने से उसी पर तो बात हो रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई नई चीज हमारी जिंदगी में आती है, कोई मुसीबत आती है, तो वो भी हमें कुछ सिखा के जाती है। अब आपके लिए वो अवसर हो सकता है या आपके लिए वो नेगेटिविटी, तो मैंने तो इसे अवसर मान लिया कि हो सकता है इस ऑनलाइन एजुकेशन को मैं अगले 10 साल तक ना सीखता, लेकिन जितना मुझे जरूरतों ने पिछले 4 महीने में सिखाया। हमारे डेविड ने एक एक्सप्रेशन, एक स्टेटमेंट लिखा, कमेंट में लिखा कि सर आप कैमरे के सामने आपके एक्सप्रेशन ऐसे कैसे हो जाते हैं, तो बताना चाहता हूं डेविड दोस्त, जब आवश्यकता होती है तो हर चीज सीखी जाती है। मैं जानता हूं कि आपके चेहरे मुझे सामने नहीं दिख रहे हैं, मन दुखी भी होता है, परेशान भी होता है कि मैं अपने बच्चों को देख नहीं पा रहा हूं, वरना यकीन जाने मैंने 20 साल इस काम को बहुत दिल से किया है, हमेशा हृदय से किया है, ये मान करके किया है कि मेरा कार्य नहीं मेरी पूजा है। तो मैं आप सबकी कमी बहुत गहराई से महसूस करता हूँ और कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा बच्चा मेरे सामने बैठा होता तो जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ मैं उसकी आंखें और उसके चेहरे के भाव देख करके पकड़ लेता कि मेरी बात उसे समझ में आ रही है कि नहीं। लेकिन ठीक है, शुरू करता हूँ। भावनाओं का ज्वार बहने लगता है कभी कभी, बातों में बढ़ता है। चलो शुरू करते हैं, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। मैंने पिछली क्लास में आपको एसी सर्किट के एनालिसिस कराई थी, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ, उसमें एक प्रकार आपको दिया मैंने प्रतिरोध, प्योर रेजिस्टेंस होता उसका बिहेवियर कैसा होगा, बच्चों ने बहुत अच्छे से उसको एंटरटेन किया होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके कमेंट बता रहे थे कि आपने उस बहुत गहरी सी चीज को समझने की कोशिश की थी।
प्योर रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट दोनों साथ साथ या सेम फेज में कैसे होते हैं, इसकी डिटेल एनालिसिस मैंने आपको पिछली वीडियो में दी। इसके बाद प्योर इंडक्टर कैसा बिहेवियर दिखाता है, यह भी हमने आपको पिछली क्लास में बताया। प्योर कैपेसिटर का बिहेवियर कैसा होता है, यह भी पिछली क्लास का ही हिस्सा था, तो आपको याद हो गया होगा। प्योर रजिस्टर में वोल्टेज करंट साथ साथ चलते हैं, प्योर इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होती है, ठीक 90 डिग्री, बिल्कुल डिटेल डिस्कशन किया था हमने। और प्योर कैपेसिटर के केस में वोल्टेज पीछे होता है, करंट आगे होता है, उसका वेवफॉर्म कैसा, उसका फेजर डायग्राम कैसा होता है, मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कशन किया। आज हम आपको बहुत खूबसूरत, आज की जो कंसेप्ट है ना, लॉजिकल है, कमाल की चीज है, आज की यह चौथी लेक्चर ऑल्टरनेटिंग करंट की, इस चैप्टर के लगभग सारे न्यूमेरिकल, मैं तो उम्मीद करता हूं 80% तक न्यूमेरिकल आज लगने लगेंगे। न्यूमेरिकल की ट्रेनिंग कल की लेक्चर में मैं आपको दूंगा, फिलहाल आज इस कंसेप्ट को लगभग एंड तक पहुंचाने का वक्त आ गया है, जिसमें आज का टॉपिक हमने लिया है, फोर्थ टॉपिक है, यानी चौथे तरह का सर्किट है। आज टॉपिक का नाम दिया है मैंने सीरीज RL सर्किट। आपको सीरीज RL सर्किट, अभी तक आप बिहेवियर देखते थे, जब आपको मैंने कैपेसिटर और रजिस्टर पढ़ाया तो सिर्फ रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता था, जब मैंने कैपेसिटर पढ़ाया तो सिर्फ कैपेसिटर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन होता था। ऑल्टरनेटिंग करंट एक कमाल का टॉपिक है, कमाल के शब्द हैं, और यहां मिलता है आपको सीरीज RL सर्किट। देखिएगा ये कितनी सुंदर सी एकदम बेहतरीन व्यवस्था होगी, जिसे आप इसे बहुत आसानी से एंजॉय करेंगे। देखिए आज एक प्रतिरोध और एक इंडक्टर, यानी प्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरकत्व आप श्रेणी क्रम में लगा रहे हो, और आज इसका बिहेवियर देखना है हम लोगों को, कि अगर इसके इनपुट पर कोई एसी लगाऊं तो इसमें बहने वाली धारा, इन दोनों में अलग अलग पैदा होने वाला वोल्टेज, वो किस तरह का बिहेवियर दिखाता है, कैसे रिलेशन से रिलेट करते हैं, शब्दों पर जरूर गौर करिएगा। शब्दों पर गौर करेंगे आप निश्चित तौर से आगे बढ़ेंगे। शब्दों को नहीं समझ पाए ना, ये चैप्टर किसी कहीं का नहीं रखता किसी को। आपने इस सीरीज RL, देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको R को अलग दिखाया, L को अलग दिखाया, C को अलग दिखाया, आज मैं आपसे कह रहा हूं आज आप R और L को साथ साथ लेके देखिए तो सही, यकीनन बहुत मजा आएगा, बहुत समझ आएगा, बड़ी कंसेप्ट क्लियर होगी। V = V0 sin ωt, मैंने इसमें इनपुट वोल्टेज लगा दिया है और इसमें बहने वाली धारा का बिहेवियर देखेंगे, I = I0 sin ωt तो होगी ही होगी। अब ये प्लस 90 होगी, माइनस 90 होगी, 90 होगी भी कि नहीं होगी, ये सब कुछ भविष्य के पेट में है। अगले आने वाले 10 मिनट में डिसाइड करूंगा कि जो साइन, यानी जो इसकी करंट है, वो 90 डिग्री आगे पीछे है या 90 डिग्री से कम आगे पीछे है या है ही नहीं है, सब कुछ हम यहां छोड़ करके रखते हैं, ये सेगमेंट छोड़ देते हैं। बाद में हम आपको बताएंगे कि यहां ओमेगा टी प्लस फाई होगा, माइनस फाई होगा, 90 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा, या कोई और डिग्री होगा, या होगा ही नहीं, जरा एनालिसिस करते रहिएगा, मैं गैप छोड़ के जाता हूं। सुनो, मैंने बताया कि जैसे ही आप वोल्टेज लगाते हो इस परिपथ में धारा बहती है, रेजिस्टेंस में जब धारा घुसेगी तो इसमें वोल्टेज पैदा हो जाएगा V = IR, V = IR, तो रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज का नाम मैंने कैपिटल V, छोटा सा R लिखा है, ये VR का स्टैंडिंग ये है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। इसके बाद ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, ये VR है और ये VL है, सुन रहे हैं आप?
हमास देखते हैं इनका बिहेवियर और आज अब वे फॉर्म का झमेला खत्म हो गया है। स्टेप स्टेप देखिएगा, एक कंसेप्ट क्लियर होगी सर, चेन में क्लियर हो जाएंगी, बहुत कम वक्त लगेगा। सुनो जरा, मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर में सारा खेल इसका वेव डायग्राम यानी फेजर डायग्राम या वेक्टर डायग्राम खेलेगा। तो मैंने कहा था जब एसी सर्किट में आप वेक्टर डायग्राम बनाने जाना तो आई को हमेशा यहीं पर रख लेना। पक्का आपको यकीन है? मैंने बताया था, देखो रेजिस्टेंस में डेवलप होने वाला वोल्टेज मैंने प्योर रेजिस्टर के केस में बताया था करंट के साथ साथ चलता है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज वी आर है वो करंट का साथ देगा। तो अगर वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम में इसे रिप्रेजेंट करने की बात करूंगा तो आप कहेंगे गुरुजी ये सामने जाएगा, जरूर जाएगा, निश्चित तौर से जाएगा। और हम आपसे कहेंगे कि मालिक दूसरा वोल्टेज वीएल है, और मैंने पिछली ही क्लास में डिसाइड किया था, बताया था कि इंडक्टर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। तो जब प्योर इंडक्टर की बात करेंगे और इसके वोल्टेज की बात करेंगे तो इंडक्टर के क्रॉस डेवलप होने वाला वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है, तो इस वोल्टेज का नाम वीएल देते हैं। आप देख पा रहे होंगे सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज अगर आप निकालना चाहते हैं तो इन दोनों वोल्टेज का परिणामी निकालना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों वोल्टेज का हम परिणामी निकालने जाएं तो सर्किट का परिणामी वोल्टेज ये है V, और इस परिणामी वोल्टेज का मान निकालूं तो हमारी गणित कहती है, पाइथागोरस की प्रमेय कहती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर होना चाहिए। देखो ना, वी आर है ये और ये मेरा वी एल है, तो पाइथागोरस लगाओगे तभी तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर होगा। और v की वैल्यू है अंडर रूट के अंदर है मैं कुछ ऐसी व्यवस्था बना दूं, ये तो सामान्य सी बात है, समझ आ रही होगी। तो सुनो, अब ये एक फार्मूला है जो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ताबड़ तोड़ लगाना शुरू करवा देगा। अब ये फार्मूला भी नहीं है, हम तो डायग्राम बनाए थे उसी से इसको निकाल लाए हैं। हमने बताया था रेजिस्टेंस का वोल्टेज इसी के साथ चलता है, इंडक्टर का वोल्टेज इसके ऊपर को जाता है। तो v इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, निश्चित तौर से। क्या आप इसे फेज एंगल थीटा बोलेंगे? हाँ, हमने कहा सर्किट की इफेक्टिव करंट और सर्किट की इफेक्टिव वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है उसे ही हम नाम देते हैं सर्किट में फेज एंगल या कलाकोण। तो जब प्योर रेजिस्टेंस था तो ये कलाकोण मेरा जीरो हुआ करता था, प्योर इंडक्टर था तो ये कलाकोण ठीक 90 हुआ करता था। और हमें पता है कि सर्किट की करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है उसमें वोल्टेज आगे करंट पीछे हुआ करती थी ठीक 90 डिग्री। प्योर इंडक्टर के केस में हमने बताया आपको कि हमारा वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, लेकिन आज मेरे सर्किट में प्योर आर और प्योर एल दोनों साथ साथ आ गए हैं। तो देखो ये जो फेज एंगल फाई बन रहा है इसको फाई नाम दे दो थीटा की बजाय, हमारी फिजिक्स की किताब में इसे फाई कहा गया है। तो देखो ये सर्किट की इफेक्टिव करंट है, ये सर्किट का इफेक्टिव अर्थात परिणामी वोल्टेज भी है। तो सर्किट की इफेक्टिव करंट और परिणामी वोल्टेज के बीच का एंगल मैं आपसे पूछूंगा कितना है तो कुछ बुद्धिमान कहने लगेंगे गुरुजी 45 है। अरे बिटवा, तो ऐसे कैसे बोल सकता है 45 है? हाँ, हो भी सकता है, मैं मानता हूं जिस दिन वीएल की वैल्यू वीआर के ठीक बराबर होगी, VL की वैल्यू और VR की वैल्यू ये पिक्चर बताने में लगी है कि जिस दिन बराबर होगी उस दिन ये एंगल 45 भी आएगा। लेकिन अगर VL बड़ा VR छोटा है परिमाण में तो ये कोण 45 से ज्यादा होगा, और VL छोटा VR बड़ा है परिमाण में तो ये कोण 45 से कम भी होगा। समझ गए? यानी प्योर RL सर्किट में सर्किट के फाइनल करंट और फाइनल वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है जिसे आप फेज एंगल नाम देते हैं, कलाकोण नाम देते हैं, वो कलाकोण 0 से 90 के बीच का कोई एंगल होगा और सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज करंट से आगे ही पाया जाएगा। मतलब मैं कहूंगा करंट पीछे है तो ओमेगा टी माइनस फाई लिखूंगा।
अब डिपेंड करेगा फाई की वैल्यू क्या आई है, ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, और फार्मूला आपका पहला फार्मूला रेडी हो चुका है। आगे सुनिएगा, हमने तुमको एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत यूजफुल बात बताई, सुनिएगा पूरी बात ध्यान से। हमने कहा था जब सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस लगा हो और आप उसके सिरे पर कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी लगाएं, तो यहां पर एसी और डीसी में अंतर नहीं आता है, एसी में भी वी बराबर आई आर होता है और डीसी में भी वी बराबर आई आर होता है। यानी अगर रेजिस्टेंस के वोल्टेज को रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा से भाग दें तो ये प्रतिरोध कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, सही है। फिर हमने पिछली क्लास में बताया, तो मैं बार बार इसलिए बताना चाहता हूं कि ये शब्द जो है ना तुम्हारे भेजे में जिस दिन स्ट्राइक कर जाएगा, ठीक से बैठ जाएगा, यकीन करो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल दौड़ते दौड़ते आएगा। जितनी मेहनत मैं पहले कर चुका हूं आपको सर्किट का सवाल लगवाने में, सर्किट के एनालिसिस कराने में, वो सारी मेहनत मेरी यहाँ फलीभूत हो जाएगी। जो काम 20 दिन में होना चाहिए था आप सिर्फ 5 दिन के अंदर कर सकते हैं। हमें लगता है कि आज के लेक्चर जिस बच्चे ने पूरी ध्यान से सुने वो बच्चा आज से ही न्यूमेरिकल शुरू कर सकता है और 5 दिन के अंदर 200-250 न्यूमेरिकल लगा करके हमें दे सकता है। सुनो, जब प्योर इंडक्टर होता था तो मैंने कहा था अगर आप वही वोल्टेज वी बराबर वी जीरो साइन ओमेगा टी यहां लगाएं तो जो काम यहां आर करता है वो काम यहां एक्सेल क्रिया करता है। तो वीएल बराबर पिछली क्लास में ही बताया था आई इंटू एक्सेल, आई इंटू एक्सेल। और जो ये एक्सेल शब्द था ये बड़ा ही खतरनाक शब्द है, इसका नाम मैंने बताया था अंग्रेजी में इंडक्टिव रिएक्टेंस और हिंदी में प्रेरकीय प्रतिघात। अब क्योंकि मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों हूं तो मुझे हिंदी से भी कोई एलर्जी नहीं है, अंग्रेजी से भी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, प्रभात सर की तरह बोल नहीं पाता। एक्सेल इज इक्वल टू, ये इसका हिंदी में नाम प्रेरकीय प्रतिघात है और अंग्रेजी नाम इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इंडक्टर का केस आएगा तो वीएल बराबर आई इंटू एक्सेल, यानी वीएल को कभी आई से अगर मैं भाग दे दूंगा तो ये एक्सेल यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाएगी, जिसका यूनिट ओम होता है। यहां प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है। और सेम उसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि जब किसी सर्किट में प्योर कैपेसिटर लगा होगा और आप उस कैपेसिटर के क्रॉस एसी लगाएंगे तो डेफिनेट सी बात है इसमें एक विद्युत धारा बहेगी। लेकिन अगर इसको भी ओम के नियम से कंपेयर करेंगे तो वीसी इज इक्वल टू आई इंटू एक्ससी आता है, मैंने पिछली क्लास में बताया। इस एक्ससी का नाम मैंने बताया था कैपेसिटिव रिएक्टेंस या प्रेरकीय प्रतिघात होता है। शब्द को सुनिएगा, प्रेरकीय प्रतिघात, और हिंदी अंग्रेजी बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये बात याद रखिएगा। सुनो, अब वक्त है इस इक्वेशन को आई से दोनों तरफ भाग देने का, तो जरा आइए इधर मेरे साथ। वी को आई से भाग देंगे, अंडर रूट के अंदर जब बैठा है तो गणित कहती है कि जब वी आर स्क्वायर को आई से भाग दोगे तो आई नहीं बल्कि आई स्क्वायर से भाग। अरे भाई साहब, इधर आई करे हो तो मंडप के अंदर आई स्क्वायर ना जाएगा, बराबर वी एल स्क्वायर अपान फिर से आई स्क्वायर। अब मेरे बच्चों को अभी अभी जो मैं थ्योरी बता के आया हूं उस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू इंडक्टर के सॉरी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज को रजिस्टर में बहने वाली धारा से डिवाइड कर दिया जाए तो प्रतिरोध बन जाता है, अर्थात आर स्क्वायर। इंडक्टर में बहने वाली धारा को इंडक्टर में के वोल्टेज को इंडक्टर में बहने वाली धारा से भाग दे दिया जाए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल बनता है। आप सुनो, वी आर अपान आई तो आर हो गया, वी एल अपान आई तो एक्सेल हो गया, लेकिन सर्वज ये टोटल वोल्टेज अपान टोटल करंट क्या हो जाएगा, तो बवाल हो जाएगा। आपको समझ नहीं आता साइंस, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, समझ लीजिए। तो सुनो, देखिए हर चीज का नियम बना है। इसका मात्रक ओम है,
इसका मात्रक भी ओम है। आप पता चला आओ देखे ना ताओ बोले आर, और एक्सेल इसको हम आर कह दें झगड़ा हो जाएगा, एक्सेल कह देंगे झगड़ा हो जाएगा। तो सर्किट का जब इफेक्टिव वोल्टेज यानी परिणामी वोल्टेज को परिपथ की परिणामी धारा से गुणा किया भाग दिया जाएगा तो सर्किट का परिणामी, अब क्योंकि इसमें दो तरह का आइटम आ गया है, एक प्रतिरोध आ गया है और एक प्रेरकी प्रतिघात आ गया है, भले ही दोनों का मात्रा ओम है लेकिन मैं इनके परिणामी को एक्सेल नहीं लिख सकता, इनके परिणामी को मैं आर नहीं लिख सकता, वरना बवाल रखा रखाया है। तो बोले कोई बात नहीं, झगड़े मत करो बेटा, एक नया नाम ले आते हैं। यह परिपथ में एक जेड शब्द आता है जो सर्किट के कहां से लिखूं मैं इसको, सर्किट के इफेक्टिव वोल्टेज को इफेक्टिव करंट से डिवाइड करेंगे तो परिपथ में एक नया शब्द आएगा, अब हर डेरिवेशन में आएगा, जिसका नाम हमने इंपीडेंस दिया है, इंपीडेंस दिया है। अंग्रेजी में इंपीडेंस और हिंदी में प्रतिबाधा, परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा, परिपथ की संपूर्ण प्रतिबाधा, अंग्रेजी में इंपीडेंस, हिंदी में प्रतिबाधा। देखिए शब्दों को समझ लीजिए, गड़बड़ा दोगे फिर ये चैप्टर का न्यूमेरिकल तुमसे एक को नहीं हिलेगा, और सिर्फ शब्दों को पकड़ लोगे ये चैप्टर लगता जाएगा और इतना खूबसूरती से लगेगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मैं दिखाऊं, मैंने कहा जब प्योर रेजिस्टेंस को उसकी करंट से डिवाइड करोगे तो प्योर रेजिस्टेंस आएगा, इंडक्टिव वोल्टेज को अगर करंट से डिवाइड करोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल आएगा, कैपेसिटिव वोल्टेज को इसकी धारा से डिवाइड करोगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस आएगा, लेकिन सर्किट के फाइनल वोल्टेज यानी टोटल वोल्टेज को टोटल करंट से डिवाइड करोगे तो परिपथ में एक नया शब्द आएगा इंपीडेंस। आप शब्द को आने का मतलब भी तो समझ गए होंगे, क्योंकि आर मैं लिख नहीं सकता, एक्सेल मैं लिख नहीं सकता, तो नया शब्द जेड लाऊंगा। यकीन जाने सैकड़ों सवालों में हजारों बार ये न्यूमेरिकल में आपके फार्मूला आने वाला है। तो सर्किट के इफेक्टिव वोल्टेज का रिलेशन निकल गया, सर्किट के इफेक्टिव इंपेडेंस का रिलेशन निकल गया। आप सुनो, एक और चीज निकालनी होती है हमें, फेज एंगल। क्या निकालना होता है? फेज एंगल, ये परिपथ की प्रतिबाधा है, परिपथ की प्रतिबाधा है, ये परिपथ का संपूर्ण वोल्टेज यानी परिणामी वोल्टेज है। अब हमें एक तीसरी चीज निकालनी है, फेज एंगल, फेज एंगल। सुनो, जो फेज एंगल निकाला जाएगा, जब भी निकालेंगे तो इसका नाम टेन फाई रखेंगे, और सभी बच्चे हमारे बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, ऊर्जावान हैं, और जो बच्चे हमारे नए ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें छोटी सी जानकारी की जरूरत है। अगर मैं आपसे कहता इस सारा खेल इसी डायग्राम से आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए, ये इसी से आया, इससे ये आया, और ये तीसरा कंटेंट जो निकालने जा रहा हूँ फेज एंगल, वो भी इसी से आएगा। अगर मैं बच्चों से पूछता हूँ फेज एंगल टेन फाई का मान कितना है, तो मेरे बच्चे बता देंगे VL अपान VR, VL अपान VR, VL इज इक्वल टू I इंटू XL हो जाएगा, इसको इससे काट देंगे। जी हाँ, तो फेज एंगल यानी फाई वाला एंगल अगर आपको निकालना है कि ये एंगल 45 डिग्री है या 30 डिग्री है या 32 डिग्री है कि 34 डिग्री है कि 54 डिग्री है कि 57 डिग्री है, इसके लिए बड़ा मामला ये है कि आपको VL या तो VR दोनों पता हो या तो XL XR की वैल्यू पता हो, आप ये फेज एंगल निकाल देंगे। तो कभी से 45 मत कहना, क्लियर हो रहा है। और एक बहुत खास चीज इस चैप्टर में और आती है इसी डेरिवेशन को करने में, पावर फैक्टर। इसका राज नेक्स्ट वाले वीडियो में खोलूंगा, अभी आंख मूंद करके इस चौथे टर्म को निकालिए, इसका नाम है पावर फैक्टर। अभी मैं तुम्हें रट्टा मरवा रहा हूं, जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का पावर फैक्टर निकालेंगे वो हमेशा cos phi होगा, वो हमेशा cos phi होगा, ध्यान दीजिएगा, पावर फैक्टर जब तक निकलेगा वो cos phi ही होगा। और ये पावर फैक्टर क्या होता है इसका राज तो दोस्त नेक्स्ट वीडियो में ही खोलूंगा, मतलब अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तो पावर फैक्टर अभी सिर्फ जान लीजिए cos phi होता है, ये cos phi क्यों होता है अगली लेक्चर में बताऊंगा। तो सुनो, इस पिक्चर से अगर मैं cos phi निकालूं तो आधार बटे कर्ण, अरे cos थीटा आधार बटे कर्ण नहीं होता है, तो मेरे बच्चे कहेंगे कि गुरु जी ये VR / V होता है। तो राजा बेटा VR बराबर IR होता है और V सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज बराबर IZ होता है। देख लीजिए,
सर्किट का जब इफेक्ट देखिए स्पेसिफिकेशन होगा, रजिस्टर के केस में इस वोल्टेज को VR नाम दिया है, इंडक्टर के केस में इस वोल्टेज का नाम VL दिया है, कैपेसिटर के केस में VC दिया है, तो सर्किट के इफेक्टिव को तो मैं V नाम दूंगा ना, तो V को IZII काट दो, कास फाई मिल गया राजा बेटा। यह है इस टॉपिक का पूरा सा डिस्क्रिप्शन सीरीज RL सर्किट की एक एक बात। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल गणित के दृष्टिकोण से समझ में आ गई होगी और ये टॉपिक कम से कम 3 नंबर का है। आपको इसके 3 मार्क्स मिलेंगे अपने बोर्ड में। सीधे सवाल आता है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में श्रेणी क्रम में R के साथ L जब लगा हो तो परिपथ के इफेक्टिव वोल्टेज प्रतिबाधा कला कोण और शक्ति गुणांक के लिए व्यंजक ज्ञात करो, व्यंजक प्राप्त करो, तो ये डेरिवेशन तुमको 3 नंबर दिया जाएगा। ये आ जाता है अक्सर आया है, ये नहीं आएगा तो अभी मैं तुमको R के देखो R था L था C था तो R का L के साथ कॉम्बिनेशन देख लिया, ये देखो ये गुण खिला। अब मैं R के साथ C को दिखाऊंगा, फिर मैं L के साथ C को दिखाऊंगा, फिर मैं तीनों को मर्ज करके दिखाऊंगा। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या थी, कल की लेक्चर में मैंने प्योर R प्योर L प्योर C की एनालिसिस दिखाई, आज मैंने पहली लेक्चर में R के साथ L का मिक्सिंग दिखा दिया। अब मैं R के साथ C करूंगा, मतलब मेरा अगला टास्क होगा सीरीज RC सर्किट, फिर एक LC सर्किट आएगा, फिर एक लास्ट वाला RLC सर्किट आएगा। तो चलिए इसको यहां पर रोक देते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस मामले को। उम्मीद करता हूं ये बेसिक थ्योरी आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी और बाकी जब न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो बाग बाग हो जाएगा दिल, आपको लगेगा यार इस चैप्टर को पढ़ने में ये इतना आनंद था, इसको लोग फर्जिन डराते थे। दुनिया के किसी फिजिक्स के टीचर से बात करोगे तो वो कहेगा AC बहुत कठिन होती है तुम्हें नहीं आएगी, और तुमको तो पता है मेरे साथ हमेशा उल्टा ही रहा है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा कठिन है वो हम सबसे सरल बना देंगे आपके लिए, और जो बाकी दुनिया के लिए सरल है वो तो सरल है ही है। आइए नया मिशन शुरू करते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ये 5वां होगा मेरे पास। मेरा टॉपिक है आज का सीरीज RC सर्किट, सीरीज RC सर्किट, और वो पहले से लिखे रहो ताकि कहीं कंफ्यूजन ना होने पाए। सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस हो उसे मुझे लिखा ही रहने देना चाहिए। तो VR इज इक्वल टू IR, सर्किट में प्योर इंडक्टर लगा है तो VL इज इक्वल टू I इंटू XL, प्योर कैपेसिटर लगा है AC लगवाया है तो VC इज इक्वल टू I इंटू XC। सर्किट के इफेक्टिव इंपेडेंस के लिए फार्मूला V बराबर IZ, ये पहले से प्लानिंग में रखो, शब्दों का कंफर्मेशन बनाए रखो। चलो सीन शुरू करते हैं। अब मेरे पास एक सर्किट है जिसमें सीरीज में R के साथ प्योर C, प्योर R प्योर C साथ साथ आए हैं, हमें देखना है इसका बिहेवियर कैसा होगा। अगर आपने पिछली लेक्चर पर काम किया था, जिन बच्चों ने अगर मेरी ये डायरेक्ट लेक्चर देखनी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं पिछली वाली के लिंक शेयर कर दूंगा, बच्चे पहले पिछली यानी लेक्चर 3 देखें तभी लेक्चर 4 देखें। आइए मेरे पास R है, ये मेरे पास C है, तो हमने तो हमेशा की तरह बताया कि आपने इसके इनपुट पर जो वोल्टेज लगाया उसका नाम गुरु V0 साइन ओमेगा टी है। अब इसमें बहने वाली धारा I बराबर पक्का है I0 साइन ओमेगा टी तो होगी। अब प्लस माइनस फाई, मतलब ये फाई जब पता चलेगा तभी हम लिखाएंगे, और वो प्लस का फाई होगा या माइनस का फाई होगा जब डायग्राम बनेगा, जब उसका कंफर्मेशन होगा तभी हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। अभी तो मैंने छोड़ दिया है, प्लस भी लिख दिया है माइनस भी लिया है, लेकिन होगा एक ही, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अब हमने कहा रेजिस्टेंस में डेवलप होने वाले वोल्टेज का नाम हम लोग VR देते हैं, कैपेसिटेंस में डेवलप होने वाले वोल्टेज का नाम हम VC देते हैं,
और वो महान फेजर डायग्राम यहाँ बनाते हैं और फिर सारी एनालिसिस उसी एक डायग्राम से करते हैं। आप यकीन करेंगे जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तो आपको खूब यकीन हो जाएगा कि ये चैप्टर शायद दुनिया में सबसे सरल चैप्टर था, हमको बहुत अच्छा पढ़ाया गया। आपको हमेशा गर्व महसूस होगा कि आपने सचान सर से ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ी थी, भले ही वो ऑनलाइन क्यों ना थी। आप यकीन जाने आप सामने बैठे होते तो अपना कलेजा फाड़ के दिखा देता कि देखो ये कितना खूबसूरत है, देखो पढ़ो तो सही, और बस फिर आप मुझे वहीं उलझाओगे तो फिर अभी मामला बिगड़ जाएगा। चलो सुनो, हमने कहा जो रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज होता है वो हमेशा करंट के साथ साथ चलता है। हाँ, ये करंट है आपके, तो रेजिस्टेंस वाला वोल्टेज करंट के साथ साथ चलता है, जिसका नाम VR दूंगा। और मैंने कल की लेक्चर में बताया था कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे पीछे चलता है। तो सुनो, जब मैंने बताया करंट को हमेशा यहाँ रखना है, वोल्टेज साथ साथ चले तो साथ साथ लाओ, वोल्टेज आगे हो तो ऊपर ले जाओ और पीछे हो तो नीचे ले जाओ, जिसे बात समझ में ना आई हो वो लेक्चर 3 का आखिरी का 10 मिनट देखे, तो मैंने बताया है कि प्योर कैपेसिटर में कैसे वोल्टेज करंट से पीछे होता है। बिल्कुल डिटेल डिस्कशन है इसकी, इसलिए आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो कोई। तो सुनो भैया, कैपेसिटर का वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे होता है, इसलिए वोल्टेज को VC नाम देंगे। अब सर्किट का परिणामी वोल्टेज निकालने के लिए कक्षा 11 का वेक्टर ही तो लगाना है। देखो, एक वेक्टर फलनवा है, एक वेक्टर ढिकनवा है, इन दोनों का परिणामी दहिमनवा है। लिखिए, यह है इन दोनों वेक्टर्स का परिणामी, इसका नाम हमने V दिया है। तो सर्किट के इफेक्टिव वोल्टेज और इफेक्टिव करंट के बीच का जो एंगल होता है उसे ही नाम हम देते हैं फेज एंगल। हमारे बच्चों को पता है कि अगर VC है तो इसका नाम भी VC होगा। अब शुरू करते हैं सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज अर्थात परिणामी वोल्टेज। परिणामी वोल्टेज, मैं आपसे कहूं कि उस पिक्चर को देख के परिणामी वोल्टेज बताओ तो अब लगभग 95% बच्चे इस परिणामी वोल्टेज को देख के ही बता देंगे कि गुरु जी ये तो बिल्कुल पीछे वाले जैसा मामला है। VR² + VC² तो सर्किट का इफेक्टिव वोल्टेज मिल गया। हाँ, पाइथागोरस लगा रहा हूं भैया। अब ये एक सवाल साफ हो गया। इसके बाद परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा। अब सुनिएगा, सभी को I से भाग दूंगा, तो जब इसको मैं I से भाग दूंगा तो V/I हो जाएगा। लेकिन गणित में बकरोलाई तो चलती नहीं है, बपौती अपनी बैठती नहीं है, गणित तो गणित होती है। ये I है तो इसको I से डिवाइड कर देंगे तो I का स्क्वायर हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ I की है तो यहाँ I² होगा। मंडप के नीचे बैठा है ना, तो I² नहीं करना पड़ेगा, /I². अब हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि जब VR को I से भाग देते हैं तो सिर्फ R आता है, तो R का स्क्वायर। VC को I से भाग देते हैं तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। लेकिन सर्किट के फाइनल वोल्टेज को फाइनल करंट से भाग देते हैं तो परिपथ की प्रतिबाधा Z आती है, इसको अंग्रेजी में इंपीडेंस कहते हैं। इंपीडेंस, तो परिपथ की प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस मिल गया है। अब एक चौथा कंटेंट देखिए, एक कंटेंट हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा निकालने चलता हूं जिसका नाम फेज एंगल रखा है हमने। फेज एंगल, कला कोण, फेज एंगल मतलब कुल मिला के यही फाई पता करना यार, यही तो है मेरा फेज एंगल। तो इस फेज एंगल को जब भी निकालेंगे तो टैन में निकालेंगे, टैन फाई। अरे बेटवा, ये टैन फाई तो के चाहिए तो लंब बटे कर्ण ना है, और सारी लंब बटे आधार ना हो जाए, तो VC/VR क्या बात है। तो हम कहते हैं VC = I × XC है, जी हाँ, और VR = I × R है। तो हमारे पास फेज एंगल के दो फार्मूले हो गए, फर्स्ट वन इज VC/VR, अनदर वन इज द XC/R। तो आप चाहोगे तो ये बात भी पूरी हो गई, या कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी आपको नजर आ रही है? बस यही बातें आपको समझनी है, यकीन जाने न्यूमेरिकल ऐसा लगेगा जैसे फूल झड़ रहे हों। तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी।
क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा। अगली सीन शुरू करता हूं। सीरीज आरसी सर्किट हमारा हो गया है, मैं आपको आगे बढ़ाता हूं कि देखो अब आपने आर के साथ एल को मिक्स करके देख लिया, आर के साथ सी को मिक्स करके देख लिया, सर आर के साथ अब आपने दोनों को देख लिया तो एल और सी को भी तो देखना बनता है। आओ तुमको एक नई कहानी सुनाएं, अगली सीरीज का सर्किट, अगला सर्किट दिखाएं जिसका नाम हमने दिया है सीरीज एल सी। जी हाँ, बहुत तेजी से आपका मिशन, आपका चैप्टर आगे को बढ़ रहा है, यानी अगर मैं बहुत बड़ी बात करूंगा तो इसके बाद दो लेक्चर और, अदरवाइज चैप्टर फिनिश। हाँ, अभी मेरा लेक्चर वन का वीडियो यूट्यूब पर नहीं आया, लेक्चर वन का वीडियो यूट्यूब पर मैं दे दूंगा, लेक्चर टू से शुरू किया है। चलिए, पांच सर्किट हो गए, छठवीं का नंबर आता है। देखिए, आपने आर के साथ एल का बिहेवियर देखा, आर के साथ सी का बिहेवियर देखा, अब मौका है एल के साथ सी को देखने का। एक इंडक्टर ले लेते, एक कैपेसिटर ले लेते और दोनों के अक्रॉस टोटल वोल्टेज भी लगा के देखते। लगा दीजिए टोटल वोल्टेज भी, और जो वोल्टेज आप लगा रहे हो इन्हें, उसका नाम ऑलवेज वी जीरो साइन ओमेगा टी से अलग नहीं है। अब मैं देखूंगा इसमें बहने वाली धारा, जो कि आई जीरो साइन ओमेगा टी तो पहले है ही, अब वो प्लस फाई होगी, माइनस फाई होगी, फाई की वैल्यू कितनी होगी। देखो उन दोनों केस में फाई की वैल्यू डिसाइड नहीं होती है, वो कैलकुलेशन के बाद पता चलती है कि क्या होगी। चलो इसका बिहेवियर देखते हैं, अब एल और सी का कॉम्बिनेशन। मैंने कहा अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो खूबसूरत सा ये वेक्टर डायग्राम आपके हवाले करता हूं, और यही वो वेक्टर डायग्राम है जो इस पूरे चैप्टर को अकेले लगा देता है। खूबसूरत सा वेक्टर का थॉट इस पूरे चैप्टर की जिम्मेदारी है। देखिएगा, आइए देखिए, प्योर इंडक्टर का वोल्टेज मैंने बताया था करंट से 90 डिग्री आगे होता है। देखिए इसमें कहीं रेजिस्टेंस तो है नहीं है, तो इंडक्टर का वोल्टेज ऊपर चढ़ेगा। देखिए इंडक्टर के वोल्टेज को मैंने वीएल नाम दिया है, कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे जाएगा, इसका नाम हम लोग वीसी देने वाले हैं। अब आप देख पा रहे होंगे क्लास 11 की फिजिक्स का थॉट और थ्योरी बहुत काम करेगी। अब तुमको इतनी तमीज नहीं है कि दो अपोजिट वेक्टर हो तो इनका परिणामी क्या, भैया इसमें इधर की तरफ तो वी आया ही नहीं है। अरे वी आर होता तब ना यहां कोई वोल्टेज होता, यानी अब ये दो ही वोल्टेज हैं, एक दूसरे के उल्टे खड़े हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तो सबको, जो बच्चे मेरे बैठे होंगे, अभी का अभी क्लियर हो गया होगा कि परिणामी क्या आने वाला है। तो सर्किट का परिणामी वोल्टेज में आपसे निकलवाता, आधी हिंदी आधी अंग्रेजी, तो सर्किट का परिणामी वोल्टेज वी टोटल वी बराबर वीएल डिफरेंस वाई वीसी होता। मुझे क्या पता आकाशवाणी हुई है क्या कि वीएल बड़ा है कि वीसी बड़ा है। अरे भैया वीएल बड़ा होगा तो वीएल में वीसी घटा देना, और परिणामी निकालने के लिए अगर कभी वीसी बड़ा मिल जाए तो वीसी में वीएल घटा देना। सर्किट के इफेक्टिव वोल्टेज कैलकुलेशन मिल गया क्या? अब आप कहेंगे मैं प्रतिबाधा चाहता हूं, हम कहते हैं कब रोका है तुमको मैंने बाबू। प्रतिबाधा निकालने के लिए सबके सर्किट के वोल्टेज को टोटल करंट से, इंडक्टर के वोल्टेज को सर्किट में, करंट तो सीरीज में सेम होती है ना, और कैपेसिटर के वोल्टेज को सर्किट की जो सेम करंट आई है पूरे सर्किट में, सीरीज में करंट सेम होती है। अब आप कहेंगे गुरुजी ये जेड हो गया, इसी का नाम प्रतिबाधा है, ये एक्सएल हो गया और ये एक्ससी हो गया, क्या कहना, परिपथ की प्रतिबाधा भी तुम्हें समझ आ गई होगी। आगे चलें, एक और सर्किट में कंसेप्ट मिल रही है, मैंने बोला था बार बार उसे निकालना है, फेज एंगल, फेज एंगल कला कोण बेटवा हमेशा भाई, तो सुनो अब उसमें निकालना पड़ता था, इसमें डिसाइड है, मैं दिखाता हूं। अगर वीएल ज्यादा होगा तो वीएल में वीसी घटेगा,
यानी परिणामी ऊपर को जाएगा। वीसी ज्यादा होगा तो वीसी में वीएल घटेगा यानी परिणामी नीचे। परिणामी चाहे ऊपर को चला जाए चाहे नीचे को चला जाए धारा के साथ तो 90 बनाएगा ना, बस अंतर ही आ जाएगा कि वीसी ज्यादा होगा तो वोल्टेज पीछे हो जाएगा और वीएल ज्यादा होगा तो वोल्टेज आगे हो जाएगा। तो ये तो काल बताएगा, समय बताएगा, न्यूमेरिकल बताएगा जब वो लग के आएगा। अभी फिलहाल तो जवाब हमारे पास जो फेज एंगल फाई है वो इस केस में एग्जैक्ट डिसाइड है 90 ही होगा, आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। आखिरी चीज पावर फैक्टर, मैंने बताया इसका राज मैं छुपा के रखा हूं, मैं अगली क्लास का इंतजार कराए बगैर इसे नहीं बता पाऊंगा। पावर फैक्टर को cos phi कहते हैं। अब क्योंकि phi 90 हो गया है भैया, phi 90 है तो cos 90 का मान 0 होता है। इस चैप्टर की सबसे साइनिंग कंसेप्ट है यही पावर फैक्टर, और मैं इसका राज छुपा रहा हूं ताकि आप अगले एपिसोड का इंतजार करें। सीरियल देखते हैं आप लोग, एपिसोड को ऐसी जगह पर रोक देता है कि आप कल जरूर देखेंगे, तो मैंने भी इस एपिसोड को वहां पर रोक दिया है कि कल आप जरूर देखें। अगर आपको इस पावर फैक्टर का राज जानना है तो कल का वीडियो जरूर देखें। चलिए एक और टॉपिक हो गया, इस टॉपिक की हेडिंग भूल गया था, सीरीज एलसी सर्किट, सीरीज एलसी सर्किट। उम्मीद करता हूं मेरी बात बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, समझ में भी आ रही है कि ये क्या चल रहा है। अगला सीन आखिरी है आज के लेक्चर का, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि आखिरी कंटेंट में बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं बताता हूं मैंने क्या क्या कर दिया। कल की लेक्चर में मैंने प्योर आर, प्योर एल, प्योर सी का बिहेवियर दिखाया। आज की लेक्चर शुरू हुई आर के साथ एल को मिक्स करके दिखाया, एल के आर के साथ सी मिक्स करके दिखाया, अब एल सी भी साथ मिक्स कर चुका हूं, तो अब बचा कौन है? तो आप बताएंगे गुरु जी आर एल सी तीनों एक साथ रख दीजिए। हाजिर होता हूं आपके लिए एक आखिरी कंसेप्ट लेकर के, यानी सातवां कंसेप्ट है, और यही से टॉपिक एसी सर्किट्स मैंने हेडिंग डलाई थी खत्म होता है। एक आर, एक एल, एक सी, अब तीनों को एक साथ लाइए, आप अपना बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, 100 में से 90 बार आपके पेपर में 5-3 नंबर से लेकर 5 नंबर तक में यही आया है, सीरीज आरएलसी सर्किट का परिपथ का परिणामी वोल्टेज, प्रतिबाधा, कला कोण और शक्ति गुणांक का व्यंजक प्राप्त करो। इस चैप्टर में 100 बार में से 90 बार यही सवाल आता है। तो आखिरी कंसेप्ट है सातवां, सीरीज हेडिंग डालेंगे सीरीज आर एल सी सर्किट। कुछ लोग आर माइनस एल माइनस सी पढ़ते हैं, अबे गधो आर डैश एल डैश सी है, आर एल सी सर्किट। एक दिन कल ग्यारह का एक बच्चा एक्स टी ग्राफ को पढ़ रहा था, एक्स माइनस टी ग्राफ, तो याद आ गया हमको, एक्स टी ग्राफ को कह रहा था एक्स माइनस टी ग्राफ, तो तुम कहीं ऐसे टोपाई न हो जो सीरीज एल आर माइनस एल माइनस सी सर्किट पढ़ने लगो। ये सीरीज आर माइनस एल माइनस सी नहीं है, सीरीज आर डैश एल डैश सी सर्किट है। चलो भैया आओ इनका बिहेवियर देखते हैं, फिर तुमको न्यूमेरिकल ट्रेनिंग कराएंगे एक और लेक्चर में। आओ इनपुट वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा T लगा रहा। अब इसमें बहने वाली धारा की गारंटी है कि I बराबर I0 साइन ओमेगा T तो आएगा ही। अब प्लस होगा माइनस होगा फाई होगा कितना होगा ये बात की बात है, जब डिपेंड करेगा डिसाइड होगा। सुनो आप कहते हो रेजिस्टेंस का वोल्टेज सर्किट की करंट के साथ साथ चलता है, इंडक्टर के वोल्टेज का नाम वीएल होता है जो करंट से 90 डिग्री आगे होता है, कैपेसिटर के वोल्टेज का नाम वीसी होता है जो करंट से 90 डिग्री पीछे होता है,
आइए एक फेजर डायग्राम यानी वेक्टर डायग्राम का खूबसूरत सा कंसेप्ट इस चैप्टर इस टॉपिक का समापन करेगा और इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल भी लगाने वाला है। हमने बताया आप जब भी चलो तो इसे यहाँ लेके जाओ, हमेशा यहाँ रखो, ये इसकी बपौती है। यहाँ रजिस्टर में होने वाला वोल्टेज करंट के साथ साथ चलेगा। बना दो थोड़ा सा डायग्राम में, दिखा दो इसे मोटा करके, थोड़ा नाम है इसका VR। इंडक्टर का वोल्टेज VL, जो कि ऊपर होता है हमें पता है। कैपेसिटर का वोल्टेज नीचे, नाम दे दिया VC। अब देखो इन तीनों वेक्टर का परिणामी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इन दोनों का परिणामी निकालना होगा, तभी तो मेरा डायग्राम पूरा होगा। और वो परिणामी निकालने के लिए मुझे मानना पड़ेगा ही कि कौन बड़ा कौन छोटा है। मैंने मान लिया कि VL ग्रेटर देन VC है, आपका दिल करे तो आप VC ग्रेटर देन VL मान लेना, तो आपका वेक्टर नीचे को चला जाएगा। मेरा VL बड़ा होगा तो VC को उसमें घटा देंगे, जितना VC है उतना हटा दीजिए, तो सर्किट का जो Y एक्सिस का इफेक्टिव वोल्टेज हो गया वो VL माइनस VC हो गया। आप समझ गए होंगे। अब इसका और इसका परिणामी चाहता हूं तो वो परिणामी वोल्टेज यहां चला जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि बाबू लोग सर्किट का परिणामी वोल्टेज बताओ कितना होगा, तो आप हमें बता देने वाले हैं सर्किट का परिणामी वोल्टेज इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR स्क्वायर और VL माइनस VC, देखो ये वेक्टर इसके बराबर होगा तो परिणामी निकालने के लिए पाइथागोरस की प्रमेय यूज करिए। ये हो गया एक रिजल्ट। इसका दूसरा कंसेप्ट हम आपसे पूछा करते हैं परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा, अंग्रेजी में इंपेडेंस। इंपेडेंस, इंपेडेंस को हम जेड कहते हैं। चलो थोड़ी सी नौटंकी कर लेते हैं। ऊपर वाली एक्सप्रेशन को आई से भाग देना है। आप देख रहे होंगे लगातार मैं एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए चल रहा हूं। स्क्वायर तो बाहर लगा दिया ना मैंने, तो ये इंपेडेंस जेड बन जाएगा, ये प्रतिरोध आर बन जाएगा, ये एक्सएल बन जाएगा, वो एक्स सी हो जाएगा। ये वो महान फार्मूला है जो इस चैप्टर के 40% न्यूमेरिकल को अकेले लगाने वाला है। सीरीज आरएलसी सर्किट का फेज एंगल निकालना पड़ेगा। फेज एंगल इसका नाम टेन फाइव होने वाला है। टेन फाइव सर्किट के फाइनल वोल्टेज का फाइनल करंट के साथ एंगल। टेन फाइव जैसा परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार। VL माइनस VC अपान VR अथवा XL माइनस XC अपान केवल R। जी हाँ समझ गए होंगे। और आखिरी चीज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। याद रखें इसका पत्ता मैं आज नहीं खोल सकता, अगली लेक्चर का इंतजार करना होगा इस पावर फैक्टर जैसी पावरफुल कंसेप्ट को समझने के लिए। इंतजार करिए,
अभी फिलहाल इसका नाम पावर फैक्टर है और ये हमेशा काशफाई होती है। पावर फैक्टर काशफाई क्यों होता है ये आपको अगले एपिसोड में पता लगेगा। उम्मीद करता हूं कि आप पांचवें एपिसोड का इंतजार करेंगे। काशफाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस अर्थात आधार बटे कर्ण। आई से बात कर लेंगे तो वी आर बराबर आई आर, इफेक्टिव वोल्टेज के लिए आई जेड। तो काशफाई जब भी आता है तो आर बाई जेड ही आता है, नहीं तो जीरो हो जाता है। तो ये जीरो कब हो जाता है और काशफाई आर बाई जेड क्यों है, आर बाई एक्सएल बाई आर क्यों है, एक्सी बाई आर क्यों है और काशफाई क्या है, इसका नाम पावर फैक्टर है। ये पावर फैक्टर काशफाई ही क्यों है, इसका क्या रोल है हमारी फिजिक्स में, बहुत इतनी जबरदस्त चीज है कि मजा आ जाएगी। मजा लेने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद। सुबह का 10 बज गया है, आज रविवार है, ये वीडियो आपको कल सोमवार को अपनी लेक्चर टाइम में मिलेगी। तब तक के लिए आपका दिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो, आप इस तरह ही पढ़ें और आगे बढ़ें, अपने सचान सर का नाम कमाएं और डंके की चोट पर आवाज़ बुलंद करें कि मैंने सचान सर की ऑनलाइन क्लास पढ़ी थी, मैं यहाँ तक आया हूँ। तो मेरे लिए ऑनलाइन ऑफलाइन मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ते हैं। सॉल्व, थैंक यू। एक घंटे की लेक्चर हो गई होगी मेरे ख्याल से।